हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी रूफ में। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर ये आ रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो भाई ये ख्वाब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, ये ऐसे ऐसे बदलाव लेकर आ रही है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या एस्पिरेंट हैं किसी भी चीज के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए हैं, आरओ के लिए हैं, लेखपाल के लिए, पटवारी के लिए, किसी भी चीज के लिए, ए टू जेड के लिए अगर आप हैं, तो इस खबर का आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा और आप ये वीडियो पूरा देखें। ठीक है, मेरी आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो पूरा देखें। देखिए, हर एक लोग, एक एक आदमी पर इसका असर होता है। ये नहीं कि 100 लोगों का सिलेक्शन हो गया तो बाकी लोग रह जाएंगे, सभी पर बराबर असर पड़ेगा। तो आप लोग ये देखिए और हमें संगठित होकर अब काम करना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए, अगर आप लोग संगठित नहीं होंगे तो हमेशा ये होता रहेगा, लोग तोड़कर राज करते रहेंगे, कुछ लोगों को दे दिया जाएगा और कुछ लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, सरकार हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबका यही रवैया है। देखिए, अभी एक खबर निकल कर ये आ रही है कि नौकरी में भर्ती के लिए उम्र घटाने जा रहे हैं 30 साल। अगर इसकी बात हम करें तो वर्ष 2012 में 6 जून को जो इससे पहले वाली सरकार थी उसने 35 साल से बढ़ाकर 40 साल किया था, ये राहत दी थी। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है यूपीएससी से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 32 साल तक उम्र जनरल कास्ट वाले दे सकते हैं, उसके बाद उनके सपनों को पूरा करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है पीसीएस, और इसमें भी अगर आप 30 साल कर देंगे तो कहाँ जाएंगे लोग। अरे भाई 30 साल मतलब इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि 23-24 साल तक तो आमतौर पर ग्रेजुएशन ही करता है आदमी, 17-18 तक वो किसी तरीके से इंटर पास करेगा और अमूमन औसतन 23 साल पर जाकर ग्रेजुएशन कर पाता है, और ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, अगर इसमें जोड़ लेते हैं 4 साल तो मतलब वो 26-27 साल पे जो है तैयारी करना शुरू करता है, और तैयारी में भाई 30 साल तक ही आपने कट ऑफ रखी, कहाँ से कोई हो जाएगा। अगर आपको नए लोग चाहिए तो आप ये मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए भी अप्लाई कीजिए ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों ने इसका विरोध दर्ज नहीं करा तो ये भी ऐसे ठंडे बस्ते की तरह आएगा और लागू हो जाएगा। मतलब वो एक पॉलिसी आपने सुनी होगी ना कि एक हाथ में भाई कैरेट देते हैं और दूसरे हाथ में स्टिक देते हैं और कहते हैं ये लो कैरेट, नहीं तो खाओ नहीं तो स्टिक पड़ेगी। ठीक है, तो ये तरीका अपना रहे हैं और हमें इसका विरोध दर्ज करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हर एक चीज, जैसे नए रूल इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं वैसे ये भी हो जाएगा। अभी अटेम्प्ट कम कर दिए जाएंगे, देखिएगा बात चल रही है अटेम्प्ट कम करने की, वो भी कम कर दिया जाएगा। फिर ये अटेम्प्ट के बाद ये एज तो कम ही कर रहे हैं, ये भी कम कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि अनारक्षित कोटे के लिए 30 साल उम्र कर दिया है रिजर्व के लिए, और जो आरक्षित है उनको 35 साल उम्र सीमा कर दी है। और एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि आप सरकारी नौकरी मिलने के बाद सिर्फ 2 ही मौके दिए जाएंगे, यानी कि अगर मान लेते हैं कि आप लेखपाल हैं और लेखपाल की नौकरी आपको मिल गई और अब आप चाहते हैं कि टीटी दे दें या फिर पीसीएस का एग्जाम दे दें या आरओ का एग्जाम दे दें, तो सिर्फ 2 ही मौके मिलेंगे आपको, उसके बाद आप नहीं बन सकते। तो ये भी देखिए एक काला कानून लेकर चले आए हैं, मतलब लॉर्ड लिटन जो थे उनको भी फेल कर रहे हैं यहाँ पर। लॉर्ड लिटन समझते हैं ना, बहुत सारे कानून लेके आए थे, आर्म्स एक्ट लेके आए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे, और कैसरे हिंद की उपाधि भी दिलवाई थी उन्होंने, बहुत एक से एक धड़ल्ले से कानून लेकर आए थे। और अभी एक तो सोशल मीडिया का नाम सौर निकल आया है, देखिए कि अगर आप किसी भी अधिकारी को, ठीक है, किसी अधिकारी को, किसी मंत्री को कुछ भी आप बोल देते हैं तो भाई पुलिस के तहत आप पर जेल आपको भेज दिया जाएगा। मतलब आप डेरोगेटरी कमेंट नहीं कर सकते, आप अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उसको भी स्ट्राइक किया जा रहा है, हेल्दी क्रिटिसिज्म को भी स्ट्राइक किया जा रहा है यहाँ पर देखिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर विभागों को भी कम करने की सिफारिश कर दी गई है कि भाई जो पहले अभी 95 विभाग हुआ करते थे ना उसको कम करके 54 विभाग कर दिया जाए। और इसके तहत देखिए इसमें कई हजार जो है 20,000 नौकरियां जो है तकरीबन चली जाएंगी, मतलब जब डिपार्टमेंट ही कम हो जाएंगे तो नौकरियां ही चली जाएंगी, फिर नए डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स बनेंगे, लेकिन उसमें कब वैकेंसी क्रिएट होगी, कब नए लोग भर्ती करे जाएंगे तो बात की बात है, पहले तो डिपार्टमेंट ही कम कर दिए जाएंगे। डिपार्टमेंट कम कर दिए जाएंगे, लोगों को बताइए नौकरी वैसे भी नहीं मिल रही, आप एक से एक रूल लेकर आ रहे हैं और ऊपर से आप डिपार्टमेंट भी कम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अभी ये उत्तर प्रदेश का एक नया खेल तो चल ही रहा है, आपको पता होगा लोक सेवा आयोग का, भाई हमारे जो आयोग के अध्यक्ष जी हैं ये तो बहुत अच्छे हैं, जितनी भी धांधली इससे पहले हुई थी उस सब जगह ये अध्यक्ष यही थे। यूपी ट्रिपल एससी में देखिए आरोप उठ रहे थे कि धांधली हुई थी उस समय, वो भी यहाँ वहां अध्यक्ष देखिए, ठीक है। और उसके बाद टीटी वाला तो सुना ही होगा आपने, टीटी में 69,000 भर्ती के समय ये महाशय संलिप्त थे,
संलिप्त क्या थे एक तरीके से, वो वीडियो जो भी करा रहे थे परीक्षा में, तो ये अध्यक्ष थे एक तरीके से। तो उस समय भी यहाँ पर ऐसे एलिगेशंस आ रहे हैं, अभी प्रूफ तो खैर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर यूपीपीएससी में देखिए जो आर ओ आर ओ का रिजल्ट आया उसमें भी भाई धांधली मिल रही है। जैसे जीएस के सब्जेक्ट में ऐसे लोग हैं जिनका 150 में से 103 नंबर के करीब आ रहा है, और जो ऑप्शनल लिए हैं खासकर हिस्ट्री में वो 54 नंबर 51 नंबर ऐसे पा रहे हैं 200 में से। ऐसा कैसे संभव है भाई, जीएस के पेपर वन में तो हिस्ट्री का सिलेबस होता ही है और हिस्ट्री ऑप्शनल में 200 में से 53 नंबर पा रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि बंदा कुछ करके ही ना आए। जीएस के वन पेपर, टू पेपर, थ्री पेपर और फोर पेपर में देखा जाए तो आराम से उसके 100 नंबर के करीब नंबर आ रहे हैं, और वहीं ऑप्शनल में देखा जाए तो 200 में से 50 नंबर आ रहे हैं। भाई ये कहाँ का खेल है। और आरओ वगैरह में देख लिया जाए जो क्वालिफाइंग पेपर था उसमें तो बहुत लोगों को 0-0 मिला है, बहुत सारे ऐसे लोगों ने रिपोर्ट किया है। इन सारी गलत चीजों के लिए अगर आप खड़े नहीं हुए ना, तो फिर बस यही है कि दबा दिया जाएगा आपको। अभी देखिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 24 जनवरी 2021 को यूपी डे मनाया जाएगा, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसमें आप लोग हैशटैग इस्तेमाल करें, हैशटैग यूपी अगेंस्ट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ये हैशटैग चलाइए, यूपी गवर्नमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, या हैशटैग यूपी गवर्नमेंट रेड्यूस्ड एजेस, ठीक है, कोई भी हैशटैग चलाइए, ये हैशटैग चलाइए, इस हैशटैग पे आपको मिलेंगे यूपी हैशटैग यूपी अगेंस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, ये हैशटैग चलाइए और इनको बताइए। देखिए सोशल मीडिया की ताकत बहुत होती है, आप इस रीट्वीट कीजिए किसी ट्वीट को, या ट्वीट कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपना जो विरोध है ना, विरोध जाहिर करें। आप अगर विरोध नहीं जाहिर करेंगे तो ये ऐसे एक से एक कानून लाकर और इम्प्लीमेंट करता जाएगा। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि कल जो 24 जनवरी उस दिन सारे लोग, कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, विरोध किसी ना किसी रूप में, जिस रूप में आप कर पाते हैं उस रूप में विरोध आप जाहिर करें, ठीक है। पीसफुल विरोध आपको जाहिर करना है, शांतिप्रिय विरोध आपको जाहिर करना है, सरकार को बताना है कि नहीं ये बच्चों के अगेंस्ट है, ये पॉलिसी जो छात्र है उनके अगेंस्ट है, ये चीजें आपको बतानी है और चीजें बदलवानी है। आगामी चुनाव आने वाले हैं, इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, और आगे की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।